भी मैं खा रही हूँ ये अखरोट अनियु अखरोट। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाली में तो कल रात मैं सो गई थी 7 बजे पाँच बजे तो काम करूँ थी, सात बजे सोई थी मैं। हाँ तो मैं 7 बजे सो गई, फिर मेरी तड़की 9 बजे आँख खुली, पता नहीं क्यों या क्या नहीं, आई डोंट नो क्या रीज़न था क्या नहीं, भाई मैं इतनी जल्दी सो गई और बीच में उठी भी नहीं मैं। एक बार उठ कर भी फ़ोन चलाया हो कि उठी मम्मी, मैं मम्मी ने कहा ना तो तना थूक क्या, ना तना बाथरूम कराया, ना तना पानी पिया, कुछ भी नहीं कराया। फिर मैं 9 बजे उठी, फिर फटाफट कुछ नहीं, मैंने फ़ोन कौन छेड़ा, मैंने एडिटिंग कराया व्लॉग और सेव ऑन पर धर दिया था, इतना मैंने नाली ब्रश कर लिया और अखरोट खाऊं। तो चलो अब खाना खाते हैं। तो मेरा खाना आ गया, पराठा, चाय, घी, देसी घी। अब हम जा रहे हैं मम्मी को सब्जी दिलाने और सारे रास्ते वगैरह सब जैसे वो भक्ति पाई किताबा है तो इसकी वजह से सारा रास्ता धूल मिट्टी, इतना दिमाग खराब हुआ है, मतलब मेरा बिल्कुल भी एक्टिवा चलाने का मन नहीं करता 1% भी। और तो चलो सब्जी लेके आते हैं। और मैंने कल वाली स्वेटर डाली है, वीडियो बनाते टाइम चेंज कर लेंगे। ये दरवाजा, और रही बात इस दरवाजे की, तो इस दरवाजे को भी हम चेंज करेंगे। हमने फैंसी दरवाजा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यार फिर ना जैसे वो छोटा लगता है और फिर लोग बड़े, तुम्हें पता ही है कैसे। सब्जी लेके आ गए हैं और अभी हम जाएंगे पानीपत। हमारे पास एक चूल्हा रखा था तो वो खराब हुआ था, तो उसके बदले में नया चूल्हा लेके आएंगे। सो लेट्स गो। खजूर, खजूर हम दोगे हैं 100 रुपया का, इतना महंगा महंगाई तो जो आसमान छू गई। मैंने अभी पहना है ये सूट, कैसा लग रहा है? मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मैंने इसके ऊपर वो पहनी है जयपुरी चुनरी जो मैं लेके आई थी, ये देखो कैसा लग रहा है। और मेकअप मैंने कर लिया, छोटी सी बिंदी लगाई है, ये हेयर स्टाइल बनाया है और पीछे पाइल कर रही है, जड्डा के कपड़े पहन का एक्सरसाइज। और ये मैंने इसके नीचे जूतियां पहनी हैं, ये मैं दिल्ली से लेके आई थी और ये बड़ी मस्त है यार, मस्त है, बहुत मस्त है। और ये सूट मैंने कपड़ा लिया था फिर स्टिच करवाया था और ये लेसेस वगैरह अंकल ने लगाई थी, तो कैसा लग रहा है। और ये मैंने इसके ऊपर इयररिंग्स पहने हैं, तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। चूड़ियाँ ही पहनी मैंने क्योंकि मैंने पूरी बाजू का सिलवाया है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, तो जो लड़कियाँ होती हैं ना उनको पूरी बाजू का स्टिच करवाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। और बैंगल्स वगैरह नहीं पहनने चाहिए क्योंकि फिर वो लेडीज़ लुक में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छी लगती हैं चूड़ियाँ बट कुंवारी लड़की पे नहीं, कुंवारी लड़कियों को ऐसे पहनने चाहिए पूरी बाजू के। मेरे जितने भी सूट हैं ना ऑलमोस्ट सारे पूरी बाजू के ही हैं, ठीक है। तो जच रहा है ये सूट, मतलब ये चुन्नी इस पे। तो चलो उस वगैरह बनाने पानीपत। तो चलो फटाफट बनाते हैं, मम्मी बनाएगी मेरी वीडियो। मैंने और मम्मी ने वीडियोस बना ली है और काफी ज्यादा कुत्ते भोग रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता बट ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद है उस चीज़ के आपको पैसे मिल रहे हैं तो क्या क्या दुख है, क्या हर्ज है, एटलीस्ट किसी की गुलामी तो नहीं कर रहे, जो भी मन में आता है उसी चीज़ के पैसे मिलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं कि जहाँ आ भाई गैस चूल्हा देखने तो अब हम जा रहे हैं गैस चूल्हा देखने, तो चलो चलते हैं। ये कितने का है? 4 लगाया 3 ये 3 वाला है जी। कितने का है ये? बटन तो दिखा देगा, पसंद करो जो खोल कर आपको सारा दिखा देंगे। प्राइस तो भी हम आए नारियल पानी पीने और गैस चूल्हा देख के आए हैं, 3 वाला भी 2 वाला भी काफी महंगे दे रहे हैं यार। देखते अभी कैंटीन से लेके आएंगे यार। आ गए और हम, ये देखो मेरे बाल ये छोटे छोटे कटते कटका गए हैं,
ये तो मैंने कहते भी नहीं, व्हाट इज दिस बिहेवियर। तो यू सूट मतलब इयररिंग्स मैंने निकाल दी, अब मैंने हाथ धोऊंगी, फिर उसके बाद भाई गया होता शादी में तो कुछ खाना लेके आएगा वहां से, तो वो खाएंगे। तो भी आज मैं वीडियो बना रही थी तो वहां पे कंटी कहती है हीरोइन कहाँ काम करती है, ये तो हीरोइन लग रही है। मैंने बोला मैं हीरोइन नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, अभी हीरोइन बनने में वक्त है भैया। मेरी पहनती क्योंकि सूट में मैं बहुत ज्यादा बड़ी लगती हूँ, इसीलिए नहीं पहनती मैं सूट सलवार। बस अच्छी लगती हूँ, मुझे भी पता है, मुझे बचपन में शौक भी था सूट सलवार पहनने का। मम्मी को सिलाई आती थी ना, अब तो भूल गई मम्मी, स्ट्रेस इतना रहता है माइंड में। तो जब मम्मी मतलब बचपन में अपने सूट लेके आती थी ना, तो उसको काट पीट के मेरा बना देती थी, तो मुझे इतना शौक था। कभी घाघरा बना देती, कभी ब्लाउज, कभी स्कर्ट, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी मैं खा रही हूँ शकरकंदी, और मैंने मुंह धो लिया, हाथ भी धो लिए, और कपड़े भी चेंज कर लिए, कच्चे कच्चे हैं। तो मम्मी ने रात खीर बनाई थी और मैं जल्दी सो गई थी, तो मैंने रात में खाना भी नहीं खाया ना मम्मी, बट अच्छा लगा सुबह जल्दी उठ के, बहुत सारे काम हो गए, घर पे भी आ गए। हनी रसगुल्ले ब्याह के मोटे मोटे भाइयो, ब्याह का गाजर पाक शाही पनीर, ये मेरा बहुत दिनों से मन करा था खाने का, तो गाजर पाक रसगुल्ले और शाही पनीर बनाए थे। और अब मैं लगाऊंगी पायल को तेल, और मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड की है, डाबर आंवला का तेल इस्तेमाल करते हैं हम, और देख कितना दाल का लिया, इतने में क्यों होगा बता, ये है ना। तो चलो तेल लगाते हैं इसको, तो मैं भी इसका तेल लाऊं। थैंक यू फॉर तेरा तो ये, हाँ यार फॉल भी बहुत ज्यादा, खोपड़ा भी खाली खाली सो रहा। तेल लाने के बहाने में इसने पीट सकूं, और इन्हें फील भी नहीं होता, इन्हें सोचा मसाज करा और मैं अपनी खुंदसी निकाल लू इसका। आज ये पजामी मन मन उस पारी, कभी इस पर सब्जी गिरा, कभी इस पर तेल गिरा, कभी इस पर कुछ गिरा। ये व्लॉग के लिए नहीं कर रहे, कर देखो व्लॉग के लिए कर रहे हो, ये नॉर्मल है, जी आवा तो करते, नहीं तो नहीं करते। तो अभी मैं बना रही हूँ पोटैटो नूडल्स, यूट्यूब पे ये रेसिपी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है बहुत टाइम से, बट अब इसका ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी बना के देखती हूँ। एक तो पोटैटो नूडल्स चले हुए, और एक मशरूम जैसा कुछ। तो अभी मैंने आलू रखे थे बॉयल होने के लिए, तो वो बॉयल हो रहे हैं, तो चलो अब बाकी सारा सामान प्रिपेयर करते हैं। बाकी सामान तो मैं ले आई थी डीमार्ट से, होम एसेंशियल से, तो चलो बनाते हैं, देखते हैं कैसी बनेगी। कल जो वो नूडल्स बनाए थे वो पता नहीं आयरन की कढ़ाई में बनाए थे, इसलिए टेस्ट नहीं आया है, क्या था क्या नहीं आई डोंट नो, तो देखते हैं। तो यहाँ पे 5 सिट्टी आई हैं, और अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं, तो इतने हम अपना सामान प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये सुबह मम्मी ने आलू के पराठे बनाए थे तो उसकी चटनी बच गई। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। पता नहीं यार बिग बॉस इस बार का बोरिंग सा है, मैंने मतलब इतने एपिसोड देख तो लिए लेकिन मजा नहीं आ रहा, वाइब से नहीं आ रही। और 3-4 दिन से तो मैं बिग बॉस बिल्कुल नहीं देख रही, वरना मैं और बिग बॉस ना देखू ऐसा हो सकता है, मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है यार, है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ अगर मेरे घर में पापा या भाई होते फिर तो मेरे पास बहुत टाइम होता, मतलब सारा प्रेशर मेरे ऊपर है ना, सो क्या करें। बाकी बहुत मन कर रहा है पापा से मिल के आने का, आप लोगों को भी दिखाऊं, आप लोग कहते हो ना अपने पापा को ले आओ, हमने तो बहुत ट्राई किया भाई, आना ही चाहता हम क्या करें। आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं व्लॉग भी बना दूंगी, दिखा दूंगी
दिखा दूंगी, आप लोग खुद देख लेना मेरे पापा के क्या रिएक्शन रहते हैं। उनको नहीं आना, हम तो गए थे मम्मी का तलाक दिलवाने के बाद, हम तो तब भी गए थे कि आ जाओ पापा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये तो तलाक वलाक तो होते रहते हैं, आ जाओ आप। लेकिन उनको रहना ही नहीं, क्या करे फिर, किसी को हम जबरदस्ती तो नहीं रख सकते ना अपने पास, कितने दिन रख लेंगे। हाँ मम्मा, कौन है? मुझे क्या पता कौन है, तुमने लहसुन छीन लिए हैं और शायद हमारे आलू भी बोल चुके हैं, तो चलो फटाफट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे को निकाल लेना है ऐसे इनकी पापड़ी। आतरी माँ चल गई। तो मैंने आलू उबाल लिए हैं और ये हमारा पानी भी बिल्कुल उबल के वो हो चुका है, तो चलो फटाफट इसको थोड़ा सा हम बंद कर देते हैं थोड़ी देर और इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, उन्होंने तो वो डाला था कॉर्न फ्लावर, बट हम राइस आटा राइस फ्लावर डालेंगे, ये वाला ग्लूटेन फ्री, इसमें लिखा हुआ ग्लूटेन फ्री, तो इसमें डालेंगे हम ये राइस फ्लावर इतना बतेरा और इसको कर देंगे अब हम बंद। अब इसको आटा बना लेंगे। तो हमारा आटा बन गया है, अब इसके में हम ऐसे छोटी छोटी बो लेंगे और इनको ऐसे ऐसे करेंगे और फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आलू का तो इनमें कुछ चूरमा हो गया है, यानी कि नूडल्स वाली रेसिपी तो फेल हो चुकी है। अब क्या करें, मैं तो इनको ऐसे पकड़ पकड़ के निकालने की सोच रही थी। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रही है, लगता है मैं आज मेरा दिन ही नहीं है। और ये देखो, ये रेसिपी फेल्ड होगी। ये देखो आलू, ये देखो आलू कैसे हो गए, आलू इसमें घुल रहा है, क्या है यार ये, देखना ये भी जल गया, क्या है यार ये, इतनी मेहनत भी किया है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तो भी मैंने इसमें डाली है सेजवान की चटनी और मुझे लग रहा है ये ना तो ये नूडल्स बने हैं और ना ही ये मशरूम, वो जो उसमें दिखा रहे थे। क्या बन गया है, क्या बनाने गए, इतनी गैस की मांग उड़ दी, पानी की मांग उड़ दी। तो इसमें सोया सॉस और विनेगर डालने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी लग रही है, क्या बन गया, इसको कौन खाएगा, ये टट्टी कौन खाएगा यार, देखना आलू बॉईल करे छिल्ले, इतने सारे सोने की मांग उड़ेगी यार, इसने तो कोई क्या आएगा। मम्मी तो मार डालेगी, मम्मी मार डालेगी। यार यू के बन गया यार, तो थोड़ा टेस्टी है बट मैं आज के बाद रसोई में नहीं घुसूंगी, जो मम्मी बनाएगी मैं वो खा लूंगी चुपचाप, लेकिन जो मम्मी बनाती है इस गंदगी से तो बेहतर है यार, ये क्या बना दिया मैंने, ला जा खा ले नूडल्स नूडल्स का
डाले, दो डाल के बनाए मैंने आज। कहा क्या हो रहा, मुंह में कुछ ले रही यार देख यू के बन गया आलू को नहीं नूडल्स बनाऊंगी आलवा कोई नूडल्स बनाऊं थी, बैठ गए आलू पानी में। उस वीडियो में दिखा रखा था जो कर आलू बैल लियो, फिर उसके बाद उसने बोलो थे पानी में डाल दो और फिर उसमें जो कर वो बनाया करूं मैं, तो ये व्यू बन गया नूडल्स। देख मैं तेरे तब वीडियो दिखाऊंगी, अपना फोन खोल देख रही थी तू, सोवे थी। इसमें लिख वायरल पोटैटो नूडल्स, बोल दे स्पीकर में इतना लिखेगी। ये देख नू थे हैं, हाँ देख पलड़ा देख, हाँ हाँ आज भी बैठ के बारिश के मजे लेने थे, साथ में पकौड़ी चाउमीन खानी थी, कोरियन चिली पोटैटो नूडल्स मंगाने का सोचा, तो सारी चीजें 250 रुपए ऊपर से रेंज आती है, मुंह से पिचका दो। तो ये नूबी करे बनाई, नूबी करे 2 मिनट 30 सेकंड बॉईल करके निकालो, तुरंत बर्फ के ठंडे पानी में डालो 5 सेकंड। ये नू तो उबले ही नहीं है, पानी में रहेगा सारा आलू। अब तड़का मिक्स नहीं कर रहा था मैंने, चौड़ा काटा ये ब्रेड लेना पड़ेगा, ब्रेड पहले अलग खा लियो देखा का सुत रहे हैं नू तो कुत्ती। आलवा को नहीं खा कर देख, मोटा सा चैट कर देख, वो तो स्वादिष्ट बन रहा है नी। लेकिन यू आलवा बन गया और देख आलू बाड़े पास सुट्टी कर ली, फिर उसके बाद वह काटे, फिर उन माटा मिक्स करा, फिर वह मोड़े त्रोड़े। पानी में उबालू थी नी तो वह सारा पानी में घुल जाता वो, तो फिर वो फिर उसके बाद प्रोसेसर क्यों आगे फर्दर था ना, छौका क्यों लगाया फिर और क्या करती, डाल मार दी छोंका लगाने की सामान वेस्ट करया। तो मन सोचा ला बनाएगा देख ला कुछ टेस्ट आ जाए, मैं बिना ना करा कर तो किचन में काम देखिएगा तेरा किचन में काम करना। ये मैं घी भी आ देसी घी फिर वो तो स्वाद बन रहा है हनी। इसमें बता इसमें तो ना क्या क्या गिरा आलू, और इसमें आलू है, लहसुन है, घी है, सोया सॉस है, चटनी है सेजवान की, विनेगर तो नहीं, थोड़ा सा विनेगर भी है क्योंकि कल मेरे पेट में दर्द हो गया था, हाड़न का खाया गया ना, फास्ट फूड था, है तो फास्ट फूड हो। इवियो ब्रेड पर चेप का खाना पड़ेगा, इतना भी अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा, वैसे सिर्फ लहसुन की वजह से। मम्मी तो और दिखाया, मम्मी तो तोड़े रही, मैं नूडल्स बनाऊं थी, क्या हलवा बन गया, बड़ा रंग भी घेर दिया अपना। आलू लेना उबालना, उसमें आटा मिक्स करना और फिर पानी में उबालना, जो कर मैं बेसन की सब्जी नहीं बनाया करा, बेसन के गिट्टे तो यू उबले ही नहीं, यू आलुआ बन गया। मैं देसी घी भी है बनाए, लसन भी गरा इतना धरिया, हो एक डोंगा रसिया का है, अरे एक डोंगा सब्जी का, एक डोंगा गाजर का दिखा दे, ओ उसकी दो मारेगी ना, क्या करेगी तू पागल। मैं तो कुछ और बनाऊंगी, कुछ और बन गया, मेरी की गलती है। अरे ये बासण ये मैं धो दूं ना, इस तो पहला मम्मी की गाल पड़ा मैंने।
विनेगर विनेगर घेर दिया वैसे और क्या मतलब था विनेगर घेर का और मतलब मैंने इसका नु बोली छोंक लगाने की क्या जरूरत थी जब वो स्टार्च डिजोल्व में हो गया हां जब चट ली मैं सोचू वो खा जिस के जी माया हुआ बना के ले लिया आटे का छोंका भी ला दिया तो छोंका ना था ले कुछ रखो आना मैं कुछ भी खा लूंगी जैसे कुकिंग का ये होता है जैसे तुमने चावल का आटा डाला वो बहुत मतलब उस हिसाब से डालना पड़ा ताकि वो गुड़ा नहीं और दूसरी बात चावल का आटा मतलब ऐसी उसकी कंसिस्टेंसी चिपकने वाली नहीं होती मतलब डिपेंड करा कौन सा आटा ले रहे हो मैदे चेक करा कौन फ्लावर थे ले रही थी मैं तो फिर वो मैदे बरका हुआ यू तो डिजोल्व हो जाए पानी में आटा हाँ चावल का आटा बच रहे हैं तो साफ सुथरे हैं ये तो दर लो कुछ तो बचाओ एक वो एक पॉइंट मिल गया मेरा बेइज्जती करने का खूब पिट है ये फाइल मेरी ना तो बनना चाहिए बस बेइज्जती करने का एक बार इसका तो पॉइंट आने दो बता किसे दिखा लेई हूं डॉक्टर का लेकर जा कोई नु जरा सारी चीजें मैं तेरा पागल हो रही नॉर्मल तानी खा कर दी और तेरे नानी मनासन लेगी और तारकोल वर्गी छोटी छोटी गोली ले आई और वो बोलिया इस गोली का तो अर्धा हिस्सा देना तेरी बेटी तो उल्टे दस्त लागेंगे मना मैं बोलिए बाजरे पर की गोली मैं तो चार गोली खाए की खाने के साथ ओट जी भाई बार और बाजरे के दाने आठ डर थी मर क्यों दी दोबारा जन्म लिया जब मार पिया चौड़ा का जब पेट का दस्त अरे मैं खुल का बताऊं मेरा इतना तगड़ा जुखाम हो रहा है डॉक्टर ने ओढ़ ही एक गोली दी मैंने एक गोली आज जिंदा पॉइंट मिल गया खूब बेइज्जती करनी है तो इस व्लॉग को भी एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में चाट आले के ब्याह करवा ले सारा दिन चटती रही है और रियलिटी ऑफ सरोज टू दैट ये असली सरोज वो जो ब्लॉग में देखो वो तो नकली तो मैं खा रही हूँ खाना और शाही पनीर खा रही हूँ ब्याला इसके ऊपर भी मैंने खूब गाली मिली आज तो खाना खा के हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय आज की गाली इतनी काफी थी